हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको क्लियर किया कि आपकी मार्जिन ट्रेडिंग किस तरीके से वर्क करती है और आई थिंक आपने उस पर प्रैक्टिस की होगी और आपको वह सब कुछ समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं आगे। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में CSS और अच्छे से समझाने जा रहा हूँ, जिससे आपको CSS और बढ़िया तरीके से आ जाए। तो एक बार के लिए मैं सारी CSS को एक बार कमेंट कर देता हूँ, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको कमेंट कैसे करते हैं, आपको पहले स्लैश करना है, फिर स्टार दबा देना है और यहाँ लास्ट में जाके स्टार और ये आपकी CSS बहुत ही ईजी वे में कमेंट हो गई है। अब ये आपके पेज में CSS है बट अब आपको शो नहीं होगी। और HTML को मैंने आपको कमेंट करना बताया भी था और आई थिंक आपने वो प्रैक्टिस की होगी, बट अब मैं एक बार के लिए उसको हटा देता हूँ, जिससे आपको बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ जाए। जैसे मान लेते हैं मैंने कोई नई क्लास बनाई, मैंने नाम क्लास मनीष रख दिया। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा डीपली बताने जा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसमें विड्थ दी 300 पिक्सल, हाइट दी इसमें मैंने 300 पिक्सल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें होता है बैकग्राउंड कलर। कलर आप इसमें कोई सा भी दे सकते हैं, ये आपकी CSS का ही पार्ट है। जब आप कोई भी डार्क कलर ले, जैसे आपने यहाँ ब्लैक दे दिया, तो आपका जो फॉन्ट का कलर होना चाहिए वो आपका आप कलर दे सकते हैं वाइट। तो ये कलर जो मैंने लिखा है ये फॉन्ट का कलर होता है। आप इसका अपोजिट ले सकते हैं, जैसे ब्लैक का अपोजिट एक तरीके से वाइट हो गया। और अगर आप वाइट बैकग्राउंड ले रहे हैं तो उस पर ट्राई कीजिए जो फॉन्ट का कलर हो ब्लैक को। जैसे आप येलो ले रहे हैं, येलो के ऊपर आपका वाइट नहीं दिखेगा, तो आप येलो के ऊपर ब्लैक लीजिए। ब्लू है, ब्लू के ऊपर आपका वाइट आएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा कलर मैचिंग करनी होगी। तो ये मैंने इस तरीके से ले लिया है। अब आप इसमें मार्जिन और पैडिंग दोनों ही यूज कर सकते हैं। जैसे मार्जिन मैंने इसको दे दिया 20 पिक्सल और पैडिंग अगर आपको चारों तरफ से देनी है तो आप पैडिंग में यहाँ लिख सकते हैं 50 पिक्सल। तो इस तरीके से आपकी ये CSS वर्क करती है। अब मान लीजिए मेरे को कोई पैराग्राफ लिखना है, सबसे पहले तो मैं कोई कोड लिख लेता हूँ जिससे आपको और भी चीज समझ में आ जाए। टिव क्लास, क्लास का नाम मैंने यहाँ क्या रखा, मनीष। तो मैंने यहाँ क्या दिया, मनीष। मनीष के अंदर मैंने यहाँ कंटेन कुछ भी, माय नेम इज मनीष अरोड़ा, ये मैंने कॉपी किया और मैंने इसको कई बार पेस्ट कर दिया। मैंने इसको बीच में जाकर कहीं से भी इसको, मेरा कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं, क्योंकि पूरा ये नाम आया नहीं। तो मैंने कंट्रोल सी किया, पेस्ट, फिर आगे किया, फिर पेस्ट, फिर आगे किया, पेस्ट, कंट्रोल वी करते जाइए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो मैंने इसको कहीं से भी इसको यहां से एक बार के लिए ब्रेक किया, बी आर। तो ये आपका कोड एक तरीके से ब्रेक हो चुका है। अब आपको करना क्या है, जैसे आपका ये कोड आ गया है तो इसको पहले रन कराइए टर्मिनल में, रन एक्टिव फाइल। आपका ये देखिए कंटेन आ गया, ये एक बॉक्स के अंदर, ब्लैक के अंदर व्हाइट काफी प्यारा लग रहा है। अगर आप इसको चाहते हैं इसमें कुछ फॉन्ट साइज वगैरह देना, तो आप इसमें और भी CSS इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने दे दिया फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज का मतलब होता है कि इसका जो कंटेन का आपने साइज दिया है वो आपको कैसा रखना है। आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, बट अगर आप एक फिक्स लेना चाहते हैं जैसे 24 पिक्सल, तो आप ये भी दे सकते हैं। एक आप इसमें CSS दे सकते हैं, वो होती है आपकी फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है कि आपने जो फॉन्ट दिया है वो किस तरीके से सुंदर सा दिखे। काफी अच्छी अच्छी फॉन्ट फैमिली ये होती है, आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्शन कर सकते हैं। वापिस आप इंडेक्स पेज पे जाइए, इंडेक्स आपका हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, CSS राइट तरफ। तो आप इसको रन एक्टिव फाइल कर दीजिए, ये देखिए ये आपका काफी बेहतरीन डिजाइन बनता जा रहा है एक HTML के एंड पर। तो इस तरीके से आपकी जो बेसिक बेसिक छोटी मोटी CSS होती है वो वर्क करती जाती है। ये आपकी धीरे धीरे और भी थोड़ी एडवांस होती जाएगी, जिसमें आपके और भी ऑप्शन थोड़े आते जाएंगे, तो आपको और भी HTML और CSS में काम करने में काफ़ी अच्छा लगेगा। ये मैं अभी आपको एक रफली बिना कोई डिजाइन के समझा रहा हूँ, बट आगे अपन हो सकता है कि कोई डिजाइन भी लेकर उस पर एक अच्छे से वर्क करें, जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि HTML और CSS क्या होता है और किस तरीके से वर्क करती है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूंगा और वीडियो में कंटिन्यू रहिए। थैंक यू सो मच।